जो जमीन के कागज नकल निकालने के लिए ले जा रहे हैं वो बिना पैसे का नहीं हो रहा है। ये इसके लिए दोषी नीतीश कुमार की सरकार है और वो षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके को बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार, आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे में गड़बड़ी को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आ रही है। आम लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। लोगों से जमीन सर्वे के नाम पर घूस मांगा जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि सांसद सुधाकर सिंह कह रहे हैं। जो है राजद नेता सुधाकर सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है। सांसद सुधाकर सिंह ने बताया कि वीडियो रोहतास जिले के दिनरा स्थित ब्लॉक चकबंदी ऑफिस का है, जहां प्रधान लिपिक नागेश्वर नाथ सिंह जमीन सर्वे के नाम पर लोगों से घूस ले रहे हैं। इतना नहीं, जितना पैसा मांगा उतना नहीं दिया गया तो पैसा वापस कर दिया जा रहा है और काम भी उनका नहीं किया जा रहा है। सांसद सुधाकर सिंह ने इस मामले को लेकर बातचीत में नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि मैंने कृषि मंत्री रहते हुए कहा था कि बिहार में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। उस दिन भी मैंने कहा था कि बिहार में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट है। सुधाकर सिंह ने कहा कि सर्वे अभी हो रहा है, ये सर्वे और चकबंदी किसानों के हित में है, लेकिन इनके नाम पर बिहार में अराजकता पैदा किया गया है। सरकार के द्वारा अंचल कार्यालय और चकबंदी कार्यालय और सर्वे कार्यालय तीनों मिले हुए हैं और दोनों हाथों हाथ लूट रहे हैं। बकायदा रेट चार्ज है किस काम का कितना पैसा लगेगा। अगर गरीब आदमी कम पैसा देता है तो उसे लौटा दिया जाता है। वैसे आगे क्या कुछ कह रहे सुधाकर सिंह, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। पहले ये बात 100% नहीं 1000% सच है कि बिहार के पूरे भीतर जितने अंचल कार्यालय हैं, चकबंदी कार्यालय और सर्वे कार्यालय, तीनों कार्यालयों में जो जमीन के कागज नकल निकालने के लिए जो जा रहे हैं वो बिना पैसे का नहीं हो रहा है। बकायदा रेट चार्ट लगा हुआ है कि इस काम के इतने पैसे, इस काम के इतने पैसे। कोई गरीब आदमी, गांव का आदमी, उससे अगर 50-100 रुपये कम देना चाहे तो उसके पैसे फेंक दिए जाते हैं, उसके कागज नहीं मिलते। जिसका खामियाजा है कि पूरे बिहार अराजकता की स्थिति में चला गया है। घर घर में लड़ाई छिड़ गया। कागज जिसके हाथ में हो देना नहीं चाहता, जिसको नहीं मिला उसका लगता है कि जमीन मेरी चली जाएगी। और ये इसके लिए दोषी नीतीश कुमार की सरकार है और वो षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके को बढ़ावा दे रहे हैं। चकबंदी और सर्वे एक अच्छा कार्य है, लेकिन अच्छे कार्य के आड़ में जो लागू करने वाले लोग हैं, सरकारी कर्मचारी, उसका नाजायज फायदा उठा करके दोहन जिस स्तर पर कर रहे हैं उसका कल्पना से परे हैं। वो जो वीडियो है छोटा सबूत है। आप पत्रकार के रूप में चाहें तो आप किसी अंचल कार्यालय में एक आम आदमी के रूप में खड़ा हो जाइए, आपको सारी नंगी आंखों से दिख जाएगा। ये मेरे आरोप से भी ज्यादा आपको सबूत मिलेंगे वहाँ। आपने सुना सुधाकर सिंह ने किस तरीके से नीतीश के अधिकारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह ने यह भी कहा है कि इस मामले का वीडियो जो है उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों तक को भेजा है, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक मुख्यमंत्री इसमें मिले हुए हैं। नीतीश कुमार का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बिहार में क्या हो रहा है, वो क्या समझते होंगे आज की तारीख में नीतीश कुमार कठपुतली है। खैर, सुधाकर सिंह की बातों से आप कितना ताल्लुक रखते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।